नमस्कार छात्राओं, आज हम हिंदी साहित्य की द्वितीय वर्ष की कक्षा में कोणार्क नाटक के विषय में हम लोग पढ़ रहे थे और आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कोणार्क नाटक की शिल्प धर्मिता को हम किन उपशीर्षकों में विभाजित कर सकते हैं, वे उपशीर्षक मैं आज आप लोगों को बताऊंगी। सबसे पहला बिंदु है ऐतिहासिक त्रासदी और समसामयिकता। यह नाटक शिल्पियों में चेतना और उत्साह का संचार करता है। धर्मपद उसे नई दिशा प्रदान कर अपने कार्यों से पूरे क्षितिज को गुंजायमान कर देता है। दोनों ही पात्र इस दृष्टि से महत्वपूर्ण एवं क्रियाशील हैं। कथा तत्व में प्राण प्रतिष्ठा करना उसको नई दिशा व गति देने का अति विशिष्ट प्रयास इन्हीं दोनों पर अधिक अवस्थित है। कथानक ऐतिहासिक त्रासदी से आच्छादित होने पर भी पूर्णतः समसामयिक पृष्ठभूमि में कलाकार के द्वंद को महत्व प्रदान करता है। महामात्य और विशु का प्रत्येक संवाद इस कथन की पुष्टि करता है। एक आलोचक में के मत में नाटककार ने विशु, सारिका, धर्मपद, नरसिंहदेव, चालुक्य और कारीगरों के संबंध को कुछ इस रूप में विकसित किया है कि आर्थिक शोषण, कला और सामाजिक जीवन की परस्परता एवं सेक्स की नैतिकता विषयक प्रश्न श्लिष्ट होकर उभरते हैं और नाटक की अंतर्वाणी में यूनानी त्रासदी भग्न रागनी को ध्वनित करती है। कथानक निर्माण में इतिहास बोध को स्खलित किए बिना समसामयिक बोध इस प्रकार श्लिष्ट है कि इसे मॉडर्न एलिगरी या अन्योक्ति पद्धति में लिखा गया आधुनिकता का नाटक कहा जा सकता है। हमने अभी ऐतिहासिक त्रासदी और समसामयिकता के बारे में बात की। दूसरा जो बिंदु है वह बिंदु या उपशीर्षक यह है, मानव मन की उद्वेलित भावनाओं का प्रतिबिंब, कि कोणार्क में हम मानव मन की उद्वेलित भावनाओं को किस प्रकार प्रतिबिंबित होते हुए देख सकते हैं। नाटक की रचना किसी काल विशेष का ऐतिहासिक विवरण देने के लिए नहीं हुई है। पुरातनता के आधार फलक पर नवीनता का आग्रह हमें दिखाई पड़ता है। इसमें आधुनिक जीवन के व्यावहारिक और वैचारिक संघर्ष को वाणी दी गई है, इसलिए संवादों में विचारों की गंभीरता और भावनात्मक द्वंद की उथल पुथल हमें दिखाई पड़ती है। भाषा का वाक् चातुर्य, उसका गंभीर्य, उद्देश्यपूर्ण प्रयोग संवादों की जीवंतता में अमृत का कार्य करते हैं। समय व स्थान के साथ साथ संवादों के उतार चढ़ाव, भावनाओं का घात प्रतिघात सभी को सूक्ष्मता प्रदान करता है। जिस तरह भाषा में ऐतिहासिक व समसामयिक त्रासदी एवं जीवन संघर्ष को व्यक्त करने की क्षमता है, उसी प्रकार पात्रों के सामाजिक, चारित्रिक और मानसिक स्थितियों के अनुसार संवाद भी मार्मिक और संवेदनशील के रूप में उपस्थित है। भाषा तथा संवाद का सुगठित एवं उद्देश्यपूर्ण सामंजस्य नाटक के प्रत्येक कथ्य और संवाद में देखा जा सकता है। जिस प्रकार इसका कथा तत्व और चरित्र चित्रण अतुलनीय है, उसी भांति इसकी गरिमापूर्ण भाषा एवं संवाद सृष्टि भी सजीव तथा जीवंत है। संवादों में यदि जीवन की विभीषिका को स्थान मिला है तो हृदय की कोमल और संवेदनशील प्रणयानुभूतियों की कल्पना भी मनोहारी रूप में दृष्टिगत होती है। सौम्य, कुंती और सूर्य देवालोक समझते हैं कि कुंती ने ऋषि का वरदान जांचने के लिए सूर्य भगवान का आह्वान किया। जी नहीं, क्षितिज पर सवेरे की अरुणिमा की भांति तेजस्वी सूर्यदेव का मादक स्वरूप कुंती के मानस गगन पर पूर्णतः छा जाता है। हम देखते हैं कि कोणार्क नाटक में हमने त्रासदी, ऐतिहासिकता, समसामयिकता, मानव मन की उद्वेलित भावनाओं को प्रतिबिंबित होते हुए हम देखते हैं। तो इस प्रकार छात्राओं, जब हम कोणार्क नाटक के शिल्प के विषय में बात करते हैं तो हम देखते हैं कि शिल्प धर्मिता के अंतर्गत कई ऐसे बिंदु हैं जिनको हम उपशीर्षकों के रूप में विभाजित करके नाटक में देख सकते हैं। आज मैंने आप लोगों को इस नाटक की ऐतिहासिक त्रासदी और समसामयिकता के बारे में एवं मानव मन की उद्वेलित भावनाएं किस प्रकार कोणार्क नाटक में प्रतिबिंबित होती है उसके बारे में बताया है। अब मैं आपको आगे की कक्षा में इसके अगले उपशीर्षक जो हैं उनके बारे में बताऊंगी। नमस्कार, धन्यवाद।